हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग भाई? बज रहे सुबह के साथ, अभी मैं सो के उठा। वैसे तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ तो वीडियो चालू करता हूँ, लेकिन मैंने बाहर का नज़ारा कुछ देखा ऐसा कि मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। देख रहे हो भाई, कोहरा पूरा छाया हुआ है। देखो इस साइड, नहीं तो क्लियर दिखता है यहाँ से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी देखो यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है मौसम, है ना। रात को ही ऐसा लग रहा था, धुंधलापन था, लेकिन अभी तो क्लियर दिखने लगा सुबह में। तो चलो यार, मैं जाता हूँ ना, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ और फिर डायरेक्टली आपको नहा धो के तब मिलता हूँ, ठीक है? चलो। तो भाई मैं एकदम नहा धो के तैयार हो गया और अभी बज रहे सुबह के 8। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अब भी चलो चलते हैं, सबसे पहले मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं और फिर आके तब चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी मम्मी नहा रही है। और अरे बाप रे, दरवाज़ा खुलते ही यार इतनी ठंडी ठंडी हवा एकदम हिला दे रही है। चलो जाते हैं नीचे। यार देखो यहाँ पे ना कल रात को भी बारिश हुई थी और नहर का पानी बंद कर दिया भाई। अच्छा, ये देखो एकदम सूखा सूखा हो गया। वो नहर के अंदर ना पत्थर सब डाल दिया भाई, रोड बन रहा था ना, वो पत्थर सारे उसके अंदर चले गए। तो हम लोग नहाते ना तो हम लोग को पैरों में लगता है। चले जाते हैं मंदिर पहले। ये देखो गाइस, छोटे छोटे लपड़े ने रिक्शे के अंदर कैसे चढ़े हुए। ओह माय गॉड, वाओ, कितने क्यूट दिख रहे हैं इन लोग, बताओ। इन लोग चार भाई थे भाई और दो ही बचे हैं। नहीं है, है और कहीं भी है, मतलब चार थे टोटल, दो ब्लैक थे, एक तो पूरा ही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ब्लैक है जो कि तो मस्त लग रहे, क्यूट। ओए बढ़िया 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 बढ़िया। जो तो छोटे वाले डॉगी होते हैं, मतलब पिल्लू, वो ना बड़े क्यूट लगते हैं यार, कि तो मस्त लग रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हम लोग रात को देखे ना उस दिन एकदम छोटे से थे उन लोग, अभी बड़े हो गए 10 दिन में। चलो जाते हैं घर पे और चाय नाश्ता करता हूँ। बाइक को साफ कर दिया अभी मैंने, देखो इन लोग को। ये भगवान क्या जुलूम है। मुझे ना छोटे डॉगी बहुत पसंद है भाई, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मम्मी घर में नहीं लाने देती। मम्मी बोलती लोग आते थे घर घर पर कर देते, लोग गाँव में रखना रहे तो ठीक है, यहाँ पे नहीं। गजब बेइज्जती है। चले जाते घर पे और फटाफट यार मुझे तैयार होके निकलना रहेगा ऑफिस के लिए, क्योंकि ना थोड़ा मौसम खराब चल रहा है, तो टाइम से निकल जाओ ठीक रहेगा, तो ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो भाई मैं आज रेडी हो गया हूँ, देखो। और आज मैंने नया नया शर्ट पहना है भाई, चल झूठा। जो लाइट चली गई इसलिए दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा हल्का येलो इसमें है, क्रीम कलर। तो चलो अभी भूत बनता हूँ और फिर निकलता हूँ। यार मैं निकल रहा हूँ और अभी बज लगभग 9:40। देखो चलो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते, टाइम तो हो गया, आज थोड़ा ट्रैफिक ना मिले बस। भाई बज गए 10:08 और मैं पहुँच गया सारोली। भाई ना हाथ में अच्छा हुआ ये वाला ग्लव्स पहना हो, नहीं तो ना इतना ठंडा लग रहा था, पूरे कपड़े वपड़े बॉडी ना अभी ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, बारिश हुई ना इसकी वजह से, अगर बारिश नहीं होती तो इतना ज़्यादा ठंडी नहीं होती। चलो तो थोड़ा आराम करके और फिर निकलता हूँ 2 मिनट में। तो भाई मैं देखो ऑफिस पहुँच गया और अभी बज रहे 10:37। तो आज ना भाई कोई ट्रैफिक वगैरह मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी ही पहुँच गया, लगभग मतलब 5 मिनट पहले ही गया था, वहीं कहीं रुक गया था मैं कुछ काम से, और नहीं तो एकदम टाइम पर आज मैं पहुँचा, 10:30 में पहुँच जाता। तो चलो यार जाते हैं ऑफिस में ऊपर। तो भाई आ गए मैं अपने ऑफिस, अभी अंदर जाता हूँ और अपना काम धाम जो है निपटाता हूँ सब।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार आज तो लंच टाइम करते करते 2:05 हो गया, काम बहुत ज़्यादा था तो अभी जा नहीं पा रहा था, तो अभी जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स लिया मैंने, बोला कि यार अभी बाद में करता हूँ। 2:05 हो गए, जाता हूँ कुछ नाश्ता करके फिर आता हूँ। तो लिफ्ट आ गई अपनी, तो यार कुछ नाश्ता विस्ता करके फिर आके वापस से काम करना पड़ेगा। एकदम दिमाग खराब हो गया यार, काम कुछ ज़्यादा ही था यार, बस हवा निकल गई, मूड घूमने लगा है मेरा, मतलब सर घूमने लगा है, ऐसा लग रहा है रात को जाऊंगा ना बस सो जाऊंगा चुपचाप। यार ना मैं ऑफिस में सुबह से आया तो ऑफिस में ही था, मतलब ठंडा ठंडा आके और फिर ऑफिस में ही पड़ा रह गया। अभी जब बाहर निकला ना, धूप तो बहुत अच्छी है, मतलब ना अच्छा लग रहा है बाहर निकल के, मतलब इस धूप में अंदर अंदर तो पता नहीं चल रहा था, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी एसी में, और यहाँ पे बड़ा मस्त लग रहा है, मन कर रहा है यहीं पे बैठूँ चुपचाप एक जगह पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि काम भी करना है, अभी नाश्ता किया ही नहीं हूँ, चलो जाता हूँ करता हूँ प्यार पहले। तो यार मेरा नाश्ता विस्ता हो के अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस में काम करने के लिए, अभी बज गए लगभग 2:30, तो देखते हैं कितना टाइम अभी रुकता हूँ यहाँ पे, जब तक काम अभी ख़त्म नहीं होगा आज नहीं जा सकता, देखूँगा 5-6 बजे तक लगभग निकल जाऊँगा, क्योंकि तब तक मैं कोशिश करूँगा कि पूरा काम खत्म हो जाए। चलो चलते ऊपर। तो भाई अब भी बज रहे शाम के लगभग 5:30, मतलब 5 मिनट बाकी है और मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। तो अभी घर पे आज ना फ्रूट मार्केट जाना नहीं है, डायरेक्टली घर पे जाना है, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा क्योंकि फ्रूट्स वगैरह सब घर पे पड़े हुए, तो देखता हूँ कितना जल्दी मैं पहुँच जाता हूँ और चलो निकलता हूँ यहाँ से। यार मैं अभी ना सर्वोत्तम पे पहुंच गया और बीच में कहीं आज रुका नहीं, तो यहाँ से कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए बिस्कुट के लिए और मम्मी के लिए और फिर आगे निकलता हूँ। बहुत तेज हो रहा है। इधर से ही सब लेता हूँ मैं खाने पीने के लिए चाइनीज, तो यहाँ देखते क्या लेता हूँ अभी। तो भाई ना अभी यहाँ पे लाइट अभी तक आई नहीं हुई है, सुबह की गई हुई है और अभी तक नहीं आई है, ये लाइट ना आने का कारण ये दोनों है चिरकुट लोग। ट्रांसफार्मर उड़ा दिया भाई, उसके अंदर सुतली बम फोड़ दिया इन लोग ने। अब यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवदानी की सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ेगी, चलो चलते हैं क्या कर सकते। क्या देखो भाई लाइट गई हुई है तो मम्मी एकदम टकटकी लगा के बैठी हुई है, कोई भी इलेक्ट्रिक की गाड़ी आते जाते दिख रही है मम्मी सोच रही है कि लाइट आएगा। गजब बेइज्जती है, सुबह से संताल आ गया है। कितने बजे से गए? 9 बजे का लाइट गया, अभी तक नहीं आया। बता वाले क्या पता कब आएगा, आज नहीं आने वाला है। और तुम क्या कर रही हो? डेली मर्रा का काम, रोजमर्रा का काम, सॉरी। हेलो कहो। ओ माय गॉड, वाओ, खौसा ना जौसा, खौसा है। देखो भाई लाइट तो है नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी गर्मा गर्म कुछ तो खाएंगे पिएंगे, क्योंकि लाइट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पसीना चुआ चुआ के खा लेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। तो भाई फाइनली लाइट आ गया अभी, क्योंकि आज ना मेंटेनेंस का काम चालू था, कल ना जो कल परसों बारिश हुई थी ना उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, तो आज सुबह से काम चालू था अभी तक, तो सर लाइट वीट कट करके रखा हुआ था, अल्टीमेट उन्होंने पहले ही दे दिया हुआ था कि सुबह 9 से 5 तक इन्फॉर्म किया हुआ था उन्होंने, तो अभी फ़िलहाल गया, 5 बजे बोला था, मतलब 6:45 लाइट आया। खैर आ गया, अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई मैं आके ना 10 मिनट सिर्फ आराम किया, ज़्यादा नहीं, झूठ बोल रहा है, मतलब आँख लग गई थी, लेकिन फिर नानी का कॉल आ गया तो हम लोग बात करने लगे, और देखो आज काम करते हुए दिख गई है।
भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। आज बेचारी बड़ा मेहनत कर रही है मम्मी काम कर करके चली गई तो आज इसके ऊपर छोड़ दिए। कंट्रोल कंट्रोल तो बना रही पराठा और इसमें बनी है सब्जी नीचे और यहाँ पे पापा भी आ गए पैसा निकाल रहे भाई। Oh my God! Wow! बहुत दिन के बाद काम करके आपको कैसा लग रहा है? चुप! चुप! कैसा फील हो रहा है? कम से कम एक महीने बाद भाई काम करने को इसको मिला हुआ है, नहीं तो बिचारी मम्मी मेरी रोज काम करती है, सब रोटी वोटी बनाती है। आज एक महीने बाद आटा सान के खुद से रोटी बना रही है। तो भाई देखो अब ठंडी इतना पड़ने लगी कि मम्मी देखो मेरा जैकेट पहन के बैठी है, जादू बन गए जादू। यहाँ पे बहुत ठंडी है, बम्बई में ठंडी नहीं रहता था, यहाँ पे गांव के जैसा ठंडी है। हाँ यार, और ये देखो मम्मी का ये शॉल है, ये जो मैं वहाँ से लाया था मनाली से लेके आया था इसको, सॉरी कुल्लू से लेके आया था इसको लास्ट ईयर जब हम लोग गए हुए थे, तो ये शॉल बहुत मस्त है। ये ना डबल सेट शॉल है, दोनों साइड से आप इसको ओढ़ोगे ना तो उल्टा सीधा नहीं मालूम पड़ता, अलग कलर हो जाता है। तुम्हें ठंडी नहीं लगा था? ये भाई इसको ठंडी नहीं लगता, फ्रिज का पानी निकाल 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 के पानी मत पिया। आज मैं दोपहर को खाना नहीं खाया था तो यहाँ पे बना हुआ था निमोना चावल, तो मैंने बोला थोड़ा चावल ले लेता हूँ। और ये बनी है भाई सब्जी, किसकी कर हो? अच्छा भाई वटाना और आलू का सूखा सब्जी मस्त है एकदम जबरदस्त, मेरे मुंह में पानी आ गया। और यहाँ पे बना हुआ है परेठा, तो जल्दी जल्दी निकलवाते हैं और खाते। तो भाई अपनी थाली है तैयार और इसको करते हैं फटाफट ख़त्म, चलो मिलते हैं बाद में, अब नीचे जाएंगे वॉक करने के लिए। तब चलो यार आज जैकेट पहन के नीचे वॉक करने जाते क्योंकि भाई ठंडी ना नीचे कुछ ज़्यादा ही है, ये छोटा छोटा लग रहा है, छोटा नहीं है हो रहा है काम चलाने भर का। वैसे मैं इसको नहीं पहनता, मेरा जैकेट दूसरा है फिर पापा पहनते हैं, बट रखा हुआ था तो आज मैंने इसको निकाल लिया, तो चलो इसको पहन के और नीचे जाते हैं। और देखो यहाँ पे वॉक करने के लिए सब लोग, ऐसा लग रहा है ठंडी पूरा मघव पाला ही पकड़े बटे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोनों जन सॉल ओढ़ ओढ़ के जा रहे हैं नीचे, ऐसे सब लोग नीचे भाई ऐसे ही ओढ़ ओढ़ के जा रहे हैं। यहाँ पे भाई देखो रात को क्रिकेट हो रहा है और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, लगभग हो रहा है 11 और 11 बजे ये काम हो रहा है भाई। तो इन लोग सब लोग रात को इधर खेलते हैं और यहाँ पे चलने वाले लोग यहाँ पे इस साइड वॉक करते हैं ना। भाई रोज के मुकाबले ना आज ठंडी कुछ ज़्यादा ही है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा है, जो बारिश के वजह से ना बोल रहा हूँ ना, मैं सुबह जा रहा था ना जब भी, मतलब सोचो कि एक घंटे मैं बाइक चला के गया और मुझे एक बूंद भी पसीना नहीं हुआ रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सोच लो ठंडी का आलम समझ सकते हो आप लोग क्या है हालत ठंडी की। और सेम ऐसे ही बोल रहा हूँ ना कि इतना टाइम ना, मतलब मैं आज मेरे घर में पंखा नहीं चला होगा, मतलब एक तो लाइट गई हुई थी, मैं जब से आया हूँ तब से पंखा नहीं चालू किया हूँ, इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और अभी तो एकदम पूरा हाथ पैर सुन्न हो गए और सब लोग इन लोग देखो क्रिकेट खेल के ना अपने आप को गर्म कर रहे हैं और मैं चल चल के गर्म हो जाता हूँ थोड़ा। देखो हाथ भी तो एकदम जेब के अंदर डाला, चलो वॉक करता हूँ और फिर घर पर जाता हूँ क्योंकि मैं तो ओढ़ हाड़ के भाई एकदम मजे में सो जाऊँगा, वैसे भी थकावट हुई है। भाई देखो ये भी है वॉक करने के लिए अपने मम्मी के साथ, उसकी मम्मी आगे आगे जा रही है, ये भी पीछे पीछे भाग रहा है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अरे मारो दी करो, मारो दी करो। भाई गिर जाएगा, गिर जाए। अरे ससु गिर जा बा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ओए आजा आजा आजा।
देखो भाई रथ जा रहा है किसी का, किसी की शादी से लौटा है। चलो वॉक करने के लिए आए सब लोग, एक वॉकिंग बोला थे। चलो इनका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो ये क्या हो रहा है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठंडी में पूड़ी खाई बैठी है इन भाई। गजब बेइज्जती है। अकेले देखो अंधेरे में बैठी हुई है। अच्छा तो भाई मैं नीचे से वॉक करके आ गया और ब्रश ब्रश कर लिया। अब मैं जा रहा सोने के लिए यार, थकावट बहुत लग गई है। और बाहर ना बहुत अजीब सी ठंडी है, इसके लिए मैंने ना सब खिड़की विड़की सब बंद करके तब बैठ सोया हूँ, मतलब सोने जा रहा हूँ। तो चलो यार मिलते हैं कल मॉर्निंग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।